हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फिट रखने के उद्देश्य से बीजेपी सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान लाखों रुपए खर्च कर प्रदेश भर के तरारद और उपमंडल के भी कई गांवों में व्यायाम शालाओं का निर्माण कराया था ताकि लोग सुबह शाम यहां पर योग और व्यायाम कर फिट रह सके। लेकिन इन व्यायाम शालाओं की उचित देखभाल नहीं होने से कई व्यायाम शालाओं की हालत दयनीय हो रही है। इन व्यायाम शालाओं में कोई भी प्रशिक्षक नियुक्त न किए जाने के कारण भी लोग यहां नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई ये व्यायाम शालाएं कई गांवों में सफेद हाथी साबित हो रही हैं। लोगों ने इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इस बारे खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कंवर भार नरवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि रादौर ब्लॉक में 8 व्यायाम शालाएं बनाई गई हैं और 4 का निर्माणाधीन तस्वीर भी है, जिनका 30 जून तक निर्माण करवा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जल्द ही साफ सफाई का आश्वासन भी दिया। देखिए, सरकार की मंशा तो ठीक है कि योग और आयुर्वेद को बढ़ावा मिले, परंतु जो अधिकारी हैं उनकी ये लापरवाही नजर आती है। पिछली सरकार के पिछले कार्यकाल में ये ग्रामीण क्षेत्र में योगशालाएं बनाई गई थी ताकि लोग योग करें, प्राणायाम करके अपने आप को स्वस्थ रह सकें। उस पर लाखों करोड़ रुपए भी खर्च किए गए सारे हरियाणा के अंदर, पर इन मैं तो इसमें अधिकारियों की लापरवाही कहूँगा कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये कि सारे के सारे जो लाखों करोड़ रुपए हैं वो बिल्कुल बेकार हो पड़े। इनमें कोई भी योग प्रशिक्षक नहीं है, योग जो टीचर हैं उनकी नियुक्ति नहीं है, तो इसलिए इनमें लोग अब इनका देखो क्या हाल हो रहा है, इन योगशालों का देख लो कितना बुरा हाल हो पड़ा है। ये सारा अधिकारियों की लापरवाही है। और अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ गया 21 जून का, तो अब सरकार ने आदेश कर दिया कि इन योगशालाओं में ये योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अब इनकी हालत ये हुई पड़ी में क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा? ऐसा है, 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक योगा का प्रशिक्षण चलेगा। उसके लिए हम सभी व्यायामशालाओं को पहले भी हमने काफ़ी रखरखाव ठीक रखे, जो उनसी भी हमारी 3-4 में थोड़ा सा ज़्यादा है उनको हम जल्दी ही सफाई करवा देंगे और योगा दिवस को पूरे दिल से मनाएंगे। ऐसा हमने डिमांड की है आयुष विभाग से भी हर एक ब्लॉक में एक एक योगा प्रशिक्षण को उपलब्ध कराएं, जो वो 17 तारीख को हमें दे रहे हैं। उसके बाद पतंजलि योगा पीठ से की तरफ से हर एक व्यायामशाला में एक एक प्रशिक्षक भेज दिया जाएगा।